हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम्बिक। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, XAFO यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक सुबह से जो एक डिस्कशन चल रहा है हर ग्रुप में, चाहे फेसबुक हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे कुछ भी हो। और कई सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज करके भी लिखा है कि IBPS होगा कि NRA CET होगा। और ये डाउट स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये डाउट स्टार्ट हुआ आज सुबह की टेंडर नोटिस से। स्टूडेंट्स, ये एक टेंडर नोटिस है। टेंडर नोटिस का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी किसी सर्विसेज के को प्रोवाइड करने के लिए अगर एप्लीकेशंस को मंगवाता है तो उसके लिए जस्ट वो एक टेंडर नोटिस डालता है। तो यहाँ पे IBPS ने एक टेंडर नोटिस डाला है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन पैन इंडिया। तो आप सभी को पता होगा भी IBPS TCS के थ्रू, जो IBPS को टेक्नोलॉजी पार्टनर है TCS, उसके थ्रू एग्जाम कंडक्ट होते हैं। तो उनका जो बॉन्ड था वो खत्म हो चुका है, तो उसी को रिन्यू करने के लिए या जो प्रोसेस होती है, आप सभी को पता है गवर्नमेंट की ये प्रोसेस होती है कि कोई भी नई चीज होगी तो उसके लिए टेंडर डाला जाएगा। तो टेंडर डाला गया है, उसके थ्रू जितनी भी एप्लीकेशन है TCS या फिर उसके अलावा जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिया गया, सिंपल ये लिखा कि उन्होंने कि एक रेप्यूटेड और एक्सपीरियंस सर्विस प्रोवाइडर की रिक्वायरमेंट है और वो जो भी है एलिजिबल वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने लिखा स्प्रेड ओवर मल्टीपल सिटीज इन इंडिया फॉर अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ कैंडिडेट्स एनुअली। इसका मतलब ये नहीं है कि 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन एक ही दिन होना है, ये एनुअली की बात की गई है। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि NRA CET होगा या ऐसा कुछ भी होगा, क्योंकि ये जनरल एक नॉर्मल प्रोसेस है। IBPS ने अपना जो टेंडर है IT पार्टनर के लिए उसके लिए ये डाला हुआ है। इसको थोड़ा सा समझने के लिए आप ये देख सकते हो कि IBPS है क्या। IBPS एक बॉडी है जो क्रिएट की गई है टू ऑर्गेनाइज द पर्सनल और रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्लेसमेंट बाय डिजाइनिंग अ सुटेबल मेजरमेंट टेस्ट टूल्स असेसमेंट ऑफ आंसर रिस्पॉन्सेज। तो मतलब आपने देखा जितने भी एग्जामिनेशन हो, तो चाहे रेगुलेटरी बॉडीज के हो चाहे बैंकिंग के हो, वो IBPS कंडक्ट कराता है। और एक ये बहुत भरोसेमंद है क्योंकि अभी तक हमको इसमें कोई भी इरेगुलेशन देखने को नहीं मिली है। और ये जो आज सुबह की बात है, ये टेंडर्स के अंदर अगर आप IBPS की साइट में जाएंगे तो आप यहाँ पे टेंडर्स देखेंगे। तो ये टेंडर नोटिस है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर सिलेक्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ IBPS अक्रॉस इंडिया। तो इसका सीधा मतलब है कि नेक्स्ट ईयर जो IBPS एग्जाम्स कंडक्ट कराने वाला है उसके लिए जो उसका IT पार्टनर है उसके लिए वो एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहे हैं। तो इससे दो चीजें हमें सामने समझ में आती हैं कि एक तो IBPS ही कंडक्ट करने वाला है एग्जामिनेशन 2022 में, क्योंकि अदरवाइज अगर ये IBPS डिसॉल्व होता और NRA CET कोई नई बॉडी बनती तो ये प्रोसेस नहीं होती। और NRA CET पे क्योंकि अभी तक बहुत क्लियरेंस नहीं है, गवर्नमेंट ने कहा है हम करेंगे और उसका भी क्या रोल होगा, क्या कैसे चीजों का, वो भी कुछ भी क्लैरिफाई नहीं है। तो यहाँ पे जस्ट आप इस डिस्कशन में ना रहे कि IBPS कंडक्ट कराएगा कि NRA CET कराएगा, कोई भी कंडक्ट कराए क्या फर्क पड़ता है, आपको एग्जाम क्लियर करना है। और एग्जाम क्लियर करना है और अभी इस नोटिस से या फिर अभी तक की जो चीजें हैं जितनी भी क्लैरिटी है उससे यही पता है कि IBPS कंडक्ट इस एग्जाम्स को कराएगा। आज सुबह हमने ये डिस्कशन किया, मैंने सुशील रगड़े सर से ये डिस्कशन किया है, उन्होंने ही ये बताया कि अभी ऐसा कुछ भी क्लियरेंस नहीं है NRA CET के बारे में, IBPS ही कंडक्ट कराएगा। और 2022 में अभी तक ये क्लियर है कि सारे एग्जामिनेशन जैसे इस पैटर्न में हो रहे हैं, इस साल हो रहे हैं, वैसे ही नेक्स्ट ईयर भी 2022 में सारे एग्जामिनेशन होंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए जैसे आप अभी कर रहे थे, जो अभी तक रेगुलर पैटर्न है उसी के बेसिस पे आप कर सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट होगा वो क्लैरिटी के साथ होगा, ऐसे कोई छिपछिपाते हुए नहीं होगा। सो इस नोटिस को डिफरेंट ग्रुप्स में सर्कुलेट करके एक सुबह से डिस्कशन का पॉइंट ना बने और इस पे बहुत ज्यादा चीजें आगे ना बढ़े, तो इसलिए मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि IBPS अभी कंडक्ट कराएगा, NRA CET का इससे कोई रिलेशन नहीं है और ये सिर्फ एक टेंडर और ये एक रेगुलर इनकी प्रोसेस है फॉर द सर्विस प्रोवाइडर। सो फॉर एनी क्लैरिफिकेशन फॉर एनीथिंग आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, बट अगेन इस पे कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन ना हो तो ज्यादा बेटर है। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहे, आई एग्जाम भी इज प्रोवाइडिंग ऑल फ्री मॉक टेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है आप हमारी साइट पे विजिट करके प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, देन आप उसकी मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए नाबार्ड एग्जामिनेशन दिखाया हुआ है, सिमिलरली आप बाकी एग्जाम्स को भी हमारी साइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। ओके, सो फॉर एनी क्वेरी और एनी थिंग यू कैन कॉन्टेक्ट अस इन दिस नंबर, आप हमें मेल कर सकते हैं एंड आप विजिट जरूर करें। सो आई होप कि जो सुबह से डिस्कशन चल रहा है उसके बारे में मैं क्लियर कर पाया हूँ। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।